नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट कल आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और विश्वास करिए आपका पेपर बहुत अच्छा रहेगा। पूरे साल का आउटपुट आपको केवल 3 घंटे में देना है। मेरे हिसाब से एक्चुअली हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो एक प्रेशर गेम भी होता है। स्टूडेंट इस प्रेशर को 3 घंटे के प्रेशर को सही तरह से हैंडल कर लेता है वो अच्छे नंबर ले आता है, और कई बार उस बच्चा 3 घंटे के प्रेशर को सही तरह से हैंडल नहीं कर पाता है तो उसका पेपर ख़राब हो जाता है। कई बार अच्छे स्टूडेंट्स भी पेपर ख़राब करके जाते हैं क्योंकि वो प्रेशर को सहन नहीं कर पाए, और कई बार एक नॉर्मल स्टूडेंट भी उस सही तरह से ठंडा रहता है दिमाग उसका और सही तरह से काम करता है तो बहुत अच्छे नंबर ले आता है। तो मेरा सजेशन आपके लिए है कि आप 3 घंटे के अंदर जो आपको कल 3 घंटे मिलेंगे उनमें बहुत रिलैक्स महसूस करें और सही तरह से काम करने की कोशिश करें। जब आपको 15 मिनट पहले पेपर मिलेगा एग्जाम स्टार्ट होने से तो ध्यान रखिएगा 15 मिनट के अंदर सही तरह से पेपर पढ़ लें। जब आप पेपर पढ़ोगे तो अधिकतर स्टूडेंट्स को ये दिखेगा कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरे से ये भी नहीं आ रहा है। वो आपके साथ नहीं हो रहा है, वो सब बच्चों के साथ हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखोगे कि आप जो क्वेश्चन समझ रहे थे वो नहीं आ रहा है, वो भी आपको आना शुरू हो जाएगा। विश्वास करिए मैथमेटिक्स में अधिकतर होता है कि कई बार एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो आपने कभी पहले नहीं किया हो तो आपको लगता है शायद इसे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ समय बाद जब आप रिलैक्स महसूस करते हैं तो उस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो परेशान ना हो। दूसरी बात यह है कि आप अपने पेपर को सेक्शन बी से स्टार्ट करें, बी करें पहले मेरे हिसाब से, फिर सी और फिर डी करें, और सेक्शन ए को बाद में करें। सेक्शन ए में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनके केवल आंसर में एग्जामिनर का इंटरेस्ट है। आप उनके आंसर लिख के आएँ लेकिन आंसर बड़े साफ साफ लिखे होने चाहिए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि जिस क्वेश्चन में फिगर का रिक्वायरमेंट है, जिस क्वेश्चन में एग्जाम में पेपर में फिगर बना हुआ है, उस फिगर को आप अपनी कॉपी में बना के चलें, या जिस क्वेश्चन में फिगर की जरूरत है उसको जरूर बनाएं। जब आपका फिगर होता है तो विश्वास करिए आपको नंबर मिलने के चांस होते हैं। दूसरी बात, कंस्ट्रक्शन के जो क्वेश्चन हैं आपके पास उसमें स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन लिख के चलें जरूर। बहुत से स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं, वो विश्वास करिए उस कंडीशन में आपके नंबर कट सकते हैं। थर्ड कंडीशन में आपको और बताऊँ एक बात, क्या आपको ग्राफ का जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे ग्राफ का लीनियर इक्वेशन से आता है या किसी दूसरी क्वेश्चन से आता है, जहाँ पर ग्राफ का रिक्वायरमेंट है तो कॉपी में आपके में ग्राफ पेपर विशेष जगह पर लगा रहता है, एक फिक्स जगह पर लगा होता है। आप ग्राफ के पेपर को वहीं पर करें जहाँ पर ग्राफ लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन आ रहा है मान लेता हूँ तो आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रहे हैं और ग्राफ आपको बाद बना रहे हैं, वहाँ पर टीचर को थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो जहाँ पर ग्राफ लगा हुआ है क्वेश्चन को वहीं सॉल्व करें, चाहे आपका सीक्वेंस उस कंडीशन में डिस्टर्ब हो रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आज आप 8 घंटे सोएं, कम 8 आवर्स की नींद आपको लेना बहुत आवश्यक है। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रात के 2-3 बजे तक पढ़ाई करेंगे हैं और फिर उसके बाद 2-3 घंटे सोएंगे और फिर पेपर देने चले जाएंगे, उस कंडीशन में पेपर ख़राब हो जाता है। बच्चे रात भर पढ़ते रहते हैं और बस 2-4 घंटे सोए और उसे जाके पेपर दे दिया और पता लगा पेपर ख़राब हो गया। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है, पूरी 8 घंटे की नींद लें। 8 घंटे नींद लेने के बाद सुबह अच्छा महसूस करेंगे आप और पेपर बहुत अच्छा सॉल्व होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि एग्जाम से पहले जब एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले ज़्यादा डिस्कस न करें कि आपने क्या किया, उस मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसने क्या किया, इस बात पर डिस्कस न करें, और एग्जाम के बाद भी ज़्यादा डिस्कस न करें, ठीक है ना। हाँ, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस नंबर पर आप पेपर की फोटोकॉपी मेरे को जरूर भेजें, भेजेंगे ना, जरूर भेजिएगा। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें, बहुत अच्छा पेपर होगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।